कोई इनके पास सुरक्षा है, ना यहाँ कोई एम्बुलेंस खड़ी के कोई बात होगी तो इनको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, ना यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, किसी भी तरह की कोई भी योजना नहीं है। और कोई अधिकारी है यहाँ पर? अधिकारी कोई है? अरे इधर आओ, कौन सा डिपार्टमेंट का अधिकारी बुला इसको, इनको बुलाना है। अरे इसको बुलाओ, ये जो अधिकारी बैठा है, आ जाओ उधर ही चलते हैं, आ जाओ मेरे साथ चलो। आप किस पोस्ट पे हैं? सुपरवाइजर हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में हो? नहीं, ठेकेदार की तरफ। ठेकेदार की तरफ से? आप डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो? तो यार ये जो है, ये लोग शिविर में उतारे जा रहे हैं। अच्छा। ये तो मशीनों से साफ होने चाहिए। मशीनों से क्या है, हम मशीन लगने की जगह नहीं है। ये इतना चौड़ा रोड है, यहाँ मशीन नहीं लगे तो अंदर कैसे करते हो आप लोग? लाइन है ना जी। अरे इंसान, आप उतर जाओ इसमें, आपको उतारे उसमें शिविर में। काला उतरो फिर आप, मैं 1000 रुपए दूंगा आपको। इनको 300 रुपए देते हो ना आप? किसको? आप इनको 300 रुपए दाढ़ी देते हो ना? तो आप यहाँ क्या कर रहे हो जो आपको पता नहीं? ये आदमी अगर कोई इसमें मर गया तो हॉस्पिटल कैसे लेके जाओगे? एम्बुलेंस कहाँ तुम्हारी? मैं विधायक हूँ सुल्तानपुरी से, इसी सरकार का हूँ, ठीक है। लेकिन जो चोर केजरीवाल है ना, आप जैसे लोगों को चोरी करना सिखा रहा है, इनके लिए एम्बुलेंस कहाँ है? अगर किसी को कुछ हादसा हो गया तो क्या करोगे? सेफ्टी इक्विपमेंट्स कहाँ है? तुम सुपरवाइजर हो ना, तो सेफ्टी के लिए उतारने के लिए सेफ्टी चाहिए ना, रस्सी काम आने वाली। आज 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 3 फुट का गहरा, तो तू 3 फुट वाले में तू उतर ना। 3 फुट का गहरा है, अभी मैं तुझे उतारता हूँ। इसमें उतरो, आप उतरो, आप उतर के दिखाओ, आप इसमें उतर के दिखाओ ना। कपड़े पे आप कपड़े उतारो, कपड़े हम आपको दूसरे देंगे लागे। आप कपड़े उतारो, घुसो उसमें। अपने घर का काम तो सरकार का काम। अरे ये सरकार का, तो फिर ये इंसान नहीं क्या? इंसान है तो इनको नौकरी मिल जाए तो नौकरी छोड़ो, ये तो सरकार का काम है। तुम मुझे बताओ, अरे तुम्हारा अधिकारी कहाँ यहाँ पर? पहले अधिकारी बुला रहा हूँ, खोर बुला अधिकारी को यहाँ पर, ना एम्बुलेंस साला ना कोई, और यहाँ बुला अधिकारी को, उसको घुसेड़ूंगा। मैं बताऊँ वाल्मीकि समाज कितना सस्ता है, बुला उसको यहीं पर। तुम लोगों ने हमारे समाज को साला गाजर मूली की तरह समझ रखा है। एक जानवर नहीं घुस सकता इसमें, इंसान हो घुसेड़ रहा है। और ये वाल्मीकि समाज भी देख लो, ये वाल्मीकि समाज झाड़ू को देख के पागल हो गए ना। ये सबसे बड़ा तुम्हारा कोई शोषण कर रहा था, अरविंद केजरीवाल कर रहा है। इसको सबक सिखाना चुनाव में, हम बताएंगे इसको। इसी की पार्टी से विधायक हूँ सुल्तानपुरी से, मंत्री रहा था सरकार में, ठीक है। ना कोई अधिकारी है यहाँ पर, और ये भी सुपरवाइजर पता नहीं है या नहीं है, ठीक है। और ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, ना कोई एम्बुलेंस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और लोगों को घुसेड़ रहे हैं, बताओ हमारे लोगों को मारा जा रहा है, कैसे समझाए आप लोग जो देख रहे हो? आवाज उठाओ इसके खिलाफ। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ना, मशीनें हमारे पास, मशीनें दिए मैंने, कहाँ गई वो मशीनें? अरे मेन रोड पे आपकी मशीनें नहीं आ सकती, अंदर कैसे जाएंगी? हमारे लोगों को मारा जा रहा है जानबूझ के, साजिश के तहत। ये लोग बेचारे देखो, ना इनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट है, कुछ है ही नहीं। कहाँ है तेरा अधिकारी? कौन सा अधिकारी? मुझे बता रहा हूँ। ऐसी मैं अभी करता हूँ, मैं एक बार वो थोड़ा सा गिलाई वाला करे, अभी करता हूँ। तुम्हारे मंत्री को फोन करता हूँ, जय जल्दी बुलाओ उस अधिकारी को यहाँ पर, आज उसका इलाज होगा। इधर दिखाओ ना लोगों से, आपको अच्छा लगता है इसमें उतरना? तो इनसे कहते क्यों नहीं? अरे ये काम नहीं है भाई, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। तो मजबूरी में कर रहे हैं आप लोग ये काम? देखो 2 मिनट में नौकरी मिल सकती है आपको, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो। आपने 2 बार सीएम बना झाड़ू के निशान की वजह से, ठीक है। वाल्मीकि समाज में भरोसा किया और आज लुट भी वाल्मीकि समाज ही रहा लो। अरे जैन साहब है क्या? रजत भाई, मैं एमएलए संदीप बोल रहा हूँ। और यहाँ पर ना ये जो तिमार, ये जो त्रिनगर विधानसभा है, यहाँ एनएसपी के सामने पीडब्ल्यूडी का रोड है, नाला है, और उस नाले में हमारे लोग घुसा रखे हैं इन लोगों ने सफाई करने के लिए।
ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स है यहाँ पर, ना कुछ हो रहा है। जो ठेकेदार इसका नाले की सफाई का, उसने लोगों को नाले में घुसा रखा है। हाँ, एनएसपी के सामने ठीक है। ये मशीनें कहाँ चली गई यार, ये मर गया कोई, ना कोई यहाँ पर एम्बुलेंस है, ना कुछ हो रहा है। है ये क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इनको कहो इन ठेकेदारों को। हाँ, एसडीएम से बात करो, इसको तुरंत साले को ब्लैक लिस्ट करो इस ठेकेदार को। ये ठेकेदार हाँ ब्लैक लिस्ट होना चाहिए ठेकेदार। और एविडेंस है, मैं फेसबुक पर लाइव चल रहा हूँ, फेसबुक पे देख लो ठीक है। हाँ, इसको शाम तक ये कल अखबार में आनी चाहिए बड़ी बड़े करो। अभी आप लोगों ने सब कुछ देखा, और हमने इनके मंत्री को फोन किया सतेंद्र जैन को पीडब्ल्यूडी के। अगर ये कल तक नहीं होता ना, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम लोग, दिखाएंगे इनको के वाल्मीकि समाज की कितनी ताकत है। उनके जवानी, उनके बच्चों की जवानी जो ना, इन गटरों में नहीं मरने देंगे हम लोग। तो आप लोग धन्यवाद, और इसको आवाज बनाओ, देश की आवाज बनाओ, और चुनाव में इनको दिखाओ इस बार कि हम लोग कौन से समाज से हैं। जय भीम, जय काशीराम, जय बहन जी।